नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। धार, 5 फरवरी को रात्रि में कोतवाली पुलिस को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मांडव रोड पर कैम्ब्रिज स्कूल के पीछे पुराने हनुमान मंदिर के पास कुछ लोग सुनसान जगह में बैठकर पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलने पर तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह द्वारा तत्काल बदमाशों की धरपकड़ के लिए निर्देश दिए गए। एडिशनल SP देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में CSP देवेंद्र सिंह धुर्वे, कोतवाली थाना प्रभारी दीपक सिंह चौहान के नेतृत्व में एवं कुशल मार्गदर्शन में टीम गठित कर योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग दिशाओं में शासकीय व निजी वाहनों से रवाना होकर बदमाशों की घेराबंदी कर उन्हें धर दबोच लिया। बदमाशों से कड़ी पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि मांडव रोड पर देलमी के आगे स्थित पेट्रोल पर डकैती की योजना बनाना बताया। पेट्रोल पंप डकैती डालते इससे पहले ही कोतवाली पुलिस की सतर्कता से 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर डकैती की योजना को विफल कर दिया और उनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 1 धारदार चाकू, 1 लोहे की सब्बल व 1 लोहे का पाइप व लठ बरामद कर अंकित उर्फ सेठी उर्फ बिट्टू, यशवंत डामोर निवासी चाणक्यपुरी कॉलोनी, सुरेश दायमा सरस्वती नगर ब्रह्मा कुंडी व 3 विधि विरुद्ध बालकों को विभिन्न धाराओं 25 व 27 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इनका रहा सराहनीय सहयोग। CSP देवेंद्र ध्रुवे, कोतवाली थाना प्रभारी दीपक सिंह चौहान, उप निरीक्षक जगदीश चौहान, सौरभ शुक्ला, BP तिवारी, अतुल जोशी, सह उप निरीक्षक गजेंद्र सिंह चौहान, आरक्षक मितेश आसिफ, सोनू चौहान, आरक्षक शुभम अनिल आदि पुलिस कर्मी की अहम भूमिका रही। योजना बनाते समय गिरफ्तार किया गया है, उनके पास 1 देसी कट्टा, कारतूस, धारदार चाकू, हथियार, तामी, लोहे की राड, सब्बल और दंडे आदि जब्त किए गए हैं। उक्त आरोपियों को पकड़कर उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक थाना कोतवाली में 85/23 धारा 399, 402, 25/27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। गिरफ्तार कर आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश किया गया। इससे पहले भी इन्हें चोरी करी थी? नहीं, अभी इनके रिकॉर्ड की जानकारी से खंगाल रहे हैं पूरे। निरीक्षक दीपक सिंह चौहान, थाना कोतवाली, जिला धार। धार से खबर समय जगत के लिए अल्ताफ खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.